नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने एक यूट्यूबर को लीगल नोटिस भेजा है। आरोप है कि कंटेंट क्रिएटर रागिनी ने एक वीडियो में सोनम का मजाक उड़ाया है। जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि कंटेंट क्रिएटर रागिनी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो ने सोनम कपूर, उनके पति आनंद आहूजा और उनके फैशन ब्रांड की रेपुटेशन पर गलत असर डाला है। दरअसल रागिनी ने एक वीडियो में सोनम कपूर के डब स्टेटमेंट्स को लेकर उन्हें रोस्ट किया था। इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे थे और फनी रिएक्शन भी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ नोटिस मिलने के बाद रागिनी ने खुद को डिफेंड करते हुए दोबारा सोनम कपूर का मजाक उड़ाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, वो जिसका नाम नहीं लिया जाता। इस डिफेंडिंग वीडियो में रागिनी ने कहा कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति का नोटिस लेने के लिए उनके पास ना तो रिसोर्स है और ना ही टाइम। उन्होंने कहा कि रोस्ट वीडियो सोनम कपूर के डब स्टेटमेंट्स को लेकर बनाया गया था। मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात की जो स्टेटमेंट खुद एक्ट्रेस ने दिए हैं। मैंने इस वीडियो में उनकी इंसल्ट करने से ज़्यादा उनको डिफेंड किया है। नोटिस मिलने के बाद से रागिनी के फॉलोअर्स में भी इजाफा हुआ है। मैं उनके इस डिफेंडिंग वीडियो को भी कई यूजर्स सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उस रोस्ट वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं था कि सोनम लीगल नोटिस जारी करे। इसी के साथ बने राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।